इस व्लॉग की शुरुआत होती है बहुत ही रैंडम ट्रिप से। अभी मैं ट्रेन के अंदर से शूट कर रही हूँ, पर कुछ टाइम पहले हम लोगों की ट्रेन छोटे छोटे से बची थी क्योंकि हम ट्रेन स्टार्ट होने के बिल्कुल 5 मिनट पहले ही पहुँचे थे। तो अभी इस ट्रिप के लिए सिर्फ हम 6 लोग जा रहे थे, मौसा मौसी, सौरभ, सिमरन दीदी, प्रियांशी और मैं यानी विधि। इस व्लॉग के एंड में आप लोगों को मैं हिंट दूंगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार। तो ये पूरी जर्नी हमारी 21 घंटों की थी और हम लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं ये टाइम कैसे पास होगा। तो अंदर से ये ट्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है। स्पेस यहाँ पे बहुत कम होता है, लेकिन मैं एक सीट पे फिट हो गई थी और दूसरी सीट पे बैठे थे प्रियांशी और सिमरन दीदी। इन लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मम्मी माफ कर देना, हमें भूल गए थे लाना। यार ठंड लग रही है यार, मैं जा चुका हूं। देखो लग तो रही है, साइड से ढूंढ लो कोई बेशक से। मेरे से कंबल की मांगी होती कंबल है। हां हां रखा था अभी। काला कंबल दूर दिख, यहां पे दिखा, कंबल दिख रहा है यहां पे। अरे यार तुम मुंह दे रहे, ये तो सबसे बुरा लग रहा है जो उठा है। मैं देखो वाला तो मेरा है, चेक वाला। मैं देखो चोर 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 कुछ गिरने का डर लग रहा है। ये मैडम हमारे उधर से चोरी कर रही है, देख लो। छूट ही नहीं रहा है, मेरे पास प्रूफ है, मैं इनकी कंप्लेंट कर रही हूँ। थी यार, एक तो मैं अकेली हूँ, हमें तो दो लोगों को एड्रेस करना पड़ रहा है। चलो ये लड़के के ऊपर डिपेंड, मेरा फोन ये लड़का लेट गए हैं सीट की कमी के होने के कारण। मेरा ब्रश ना मेरे बैग में, पेस्ट तो फिर निकालो तो हम 12 बजे के करीब स्टेशन पे पहुंच गए थे और यहाँ उतरते ही इतनी गर्मी फील हो रही थी क्योंकि एक तो 12 बजे हुए थे, ऊपर से इतनी धूप भी थी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। धूप को झेलते हुए हम पहुंचने लगे अपनी मंजिल की ओर। तो हमें जहाँ पहुंचना था वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर था, बट स्टिल हम डायरेक्शंस का पता लगा रहे थे यहाँ पर। अनजान शहर में थोड़ी रास्तों की प्रॉब्लम तो होती है और थोड़ा लैंग्वेज इशू भी था यहाँ पर। और ये था हमारे रेलवे स्टेशन का नाम। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप समझ गए हो तो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब रिक्शा लेकर हम पहुँचे धर्मशाला और ये धर्मशाला कुछ ऐसी दिखती है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। पहुँच गए हैं यहाँ पे आश्रम क्या है, धर्मशाला पहुंच गए गाइस। बहुत गर्मी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये धर्मशाला का वेटिंग रूम था, यहाँ पर जाके हमने अपने रूम्स लिए। रूम आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हो, हमने ऑनलाइन लिया था। फिर यहाँ पर जाके हमें ऑनलाइन स्लिप मिली थी उसकी,
और वही लेके हम अपनी रूम की तरफ आगे बढ़ लिए। ये धर्मशाला काफ़ी बड़ी थी अंदर से और काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पर, आप देख सकते हो। सो क्यूट, सो मच गर्मी, अभी भी पता नहीं कितना दूर है। वो आंटी खड़ी है, हाँ बड़ा तो बहुत है, अंदर ही अंदर 1 किलोमीटर है, ऐसा लग रहा है कितना चल रही है। जा रहे हैं गाइस, देखो गाइस यहाँ पे है 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की कॉफी, 3 रुपए का दूध, मतलब इतना सस्ता, इतना सस्ता, हाउ इतना सस्ता, हाउ यहाँ पे सस्ता ही है। यहाँ पे आपको लंच मिल जाएगा 10 रुपए का और शायद सुबह का ब्रेकफास्ट 5 रुपए, मिल्क 3 रुपए का है, कॉफी 3 रुपए की है, चाय 2 रुपए की है, और भी है वो नीचे का दिखे नहीं रहा, मिनरल वाटर आदि 5 ml। तो इतनी गर्मी में मौसम वाले लिख रही है चार्ज, नहीं एक तो मुझे तो दे दो ये वाला अभी भी। हाँ तुम बैठ के पियो, गर्मी तभी लग रही है। सबकी पैक हो गई गाइस, मेरी खुल गई। रूम जो काफी साफ है, ये रहा हमारा शीशा और ये रही मैं। नाउ वी आर, आई एम ऑल सेट टू गो। एक हमारी पार्टनर जो है वो अंदर नेल पेंट लगा रही है। अरे जूम ही नहीं हो रहा, छोड़ो हम लोग तैयार है, हम लोग चाह रहे हैं से जूम नहीं होता है, नहीं होता। ओके गाइस अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे मौसी? हम मंदिर जाएंगे फिर तो दर्शन के लिए, दर्शन के लिए। अब थोड़ा घूमने फिरने के बाद और थोड़ा सा वेट करने के बाद हम पहुँचे अपने लंच करने। ये वही धर्मशाला के अंदर ही कैंटीन है, यहाँ पे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट लंच मिल जाता है। इसमें हमें 2 तरह की दाल, चावल, रोटी और एक सब्ज़ी और उसमें कुछ मीठा हमें मिला था। तो अब शुरू करते हैं खाना। अब यहाँ पे ये बात थी कि यहाँ पर आपको हाथ से ही खाना होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी चम्मच अलाउड नहीं थी और आपको हाथ से ही खाना पड़ता है। इसमें जो दाल थी वो स्प्राउटेड सीड से बनी हुई थी और हमने फर्स्ट टाइम खाई थी, हम सब शॉक्ड हो गए थे कि स्प्राउट्स की भी दाल बनती है। हमने तो अपने घर में कभी स्प्राउट्स की दाल नहीं खाई, आपने खाई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। खाना ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि आप यहाँ पे खाना वेस्ट नहीं कर सकते हो, और खाना खा के हमको निकलना था दर्शन करने के लिए, इसलिए पेट पूजा भी ज़रूरी थी। अब हम कौन से मंदिर जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।